हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायरिंग एजुकेशन प्लस। आज हम सीखेंगे थ्री डिजिट को थ्री डिजिट में एडिशन कैसे करना है विद मेंटल एबिलिटीज, यानी कि मेंटल मैथ से। चलिए, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था टू डिजिट, इस टाइम पे देखेंगे थ्री डिजिट एंड थ्री डिजिट। फर्स्ट प्लेस वाइज हमें पता है कैसे करना है 270 and 4 प्लस 425, सो 425 इसे एज इट इज ऐड कर सकते हैं। 600 प्लस 90 प्लस 9, आंसर इज 699, करेक्ट। सेम वे 800 प्लस 10 प्लस 500 प्लस 30 प्लस 2, 900 प्लस 40 प्लस 7, आंसर इज 947। एक और सम देख लेते हैं, 700 प्लस 70 प्लस 4, 100 प्लस 70 प्लस 3। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 800 प्लस 140, तो यहाँ पे हम 100 प्लस 40 ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस 7। अब ये दोनों को ऐड करके लिखेंगे 900 प्लस 40 प्लस 7, 947 एज फाइनल आंसर। अब ये सारी चीजें हम मेंटली कर सकते हैं। मैं अगर आपको बोलूं 310 प्लस 107, सो आप 310, 0, 107, सो 300 and 100, 400 ऐसे बाइफरकेशन आप करके मेंटली इस चीज को कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख के बता रही हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप भी प्रैक्टिस लिख कर ही करें। इनिशियली आप 2-3 sum, 10 sum लिख के कीजिए, स्पीड चेक कीजिए और फिर उसी चीज को मेंटली करते करते लिखते जाइए, आंसर वर्बली करते जाइए और दिमाग में इस चीज का कैलकुलेशन कीजिए ताकि आपका स्पीड इंक्रीज हो जाए और आंसर भी एक्यूरेट निकले। ये मेंटल मैथ्स, यानी कि हर चीज हमें दिमाग में करनी है और दिमाग हम तभी चला सकते हैं जब हमें प्रोसेस पता हो, उस चीज का कोडिंग पता हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। अब ये ब्रेकअप मेथड से हम करेंगे जैसे लास्ट टाइम हमने किया। अब ये ब्रेकअप मेथड हमें पता है कैसे करना है। फर्स्ट एज इट इज हम लिख देते हैं। अब इसे राउंड फिगर करने के लिए हमें कितने कम पड़ रहे हैं, 4, तो ये 4 को हम उसी में ऐड कर देंगे एंड देन जो रिमेनिंग है प्लेस वाइज 100s and 10s, तो वो लिखेंगे 100 and 7 10s, करेक्ट। अब ये दोनों को ऐड करके हमें मिला है 370 प्लस 100 प्लस 70, ये ऐड करने पे हमें मिलता है 470 प्लस 70। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टेंस टेंस दो बार मिलने पे हो जाते हैं 100s and 10s, तो हमें इसे एक्सपैंड करके लिखना है 400 प्लस 140, सो आंसर हो जाएगा 540। ये 140 हमने कहाँ से लिखा, ये 270s को ऐड करने पे लिखा। अब जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें हम लिखकर ही करें, मेंटली कर सकते हैं अगर हमें प्रोसेस पता हो। 500 प्लस 9, अब ये 9 को कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, हम यहाँ पे भी फिगर आउट करके 184 को राउंड फिगर में लेके आ सकते हैं 200 में या तो फिर 190 में। अगर हमें 190 में लाना है तो यहाँ पे हमें 6 कम पड़ रहे हैं, दैट मीन्स 500 प्लस ये जो 9 है इसे हम ब्रेकअप कर देंगे, करेक्ट, और प्लस 184 कर देंगे, दैट मीन्स ये दोनों मिलके हो जाएगा 190 और 503 एज इट इज लिख देंगे, जिसका आंसर हमें मिलेगा 500 एंड 100, 600 टेंस पे है 90 और 3 एज इट इज, करेक्ट। तो ऑब्जर्व करना है इसको राउंड फिगर कर रही है इसको, जो भी हमें नियरेस्ट या इजी लगे हम वो चीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप 4 and 8, ये राउंड फिगर में हमें करने में आसानी हो जाएगी अगर ये 8 को हम यहाँ पे एड कर दे, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 490 प्लस 10s और 100 प्लेस पे बचता है 500, आंसर में क्या मिलेगा 990, बिकॉज 100 प्लेस पे 5 एंड 4 है 900, 10s प्लेस पे अकेला 90 है और 0 1s प्लेस पे, तो आंसर हमें मिलना बहुत आसान हो जाता है अगर हमें प्रोसेस पता हो, हमारा मेंटल एबिलिटी हमें पता हो कि हम ये चीज किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं और किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये चीज बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया है थ्री डिजिट इनटू थ्री डिजिट को एडिशन करना विद ब्रेकअप मेथड एंड प्लेस वाइज एडिशंस टू। आई होप इट इज क्लियर। वर्कशीट को प्रैक्टिस कीजिए टाइमर सेट करने के बाद और फिर चेक कीजिए अपनी स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्सेंट्रेशन को। वर्बली आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। वर्कशीट के क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और फटाफट उसके आंसर दीजिए मेंटली और फिर चेक कीजिए कि आंसर करेक्ट है कि नहीं। आई होप इट विल बी करेक्ट बिकॉज आपको अच्छे से क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर